जी कहिए। माफ करना, एक एड्रेस सुन रहा था, यहीं किसी फ्लोर पर मेरा एक दोस्त रहता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। यहाँ लिफ्ट बंद है, शायद खराब हो गई है। मैं आखिरी मंजिल तक सीढ़ियों से गया, लेकिन पता नहीं चला। जब नीचे उतरा तो बहुत थक गया था। एक गिलास पानी मिलेगा? लगता है आप परेशान लग रहे हैं, आप अंदर आ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप अंदर आ जाइए। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पानी पिला दीजिए प्लीज। आप आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये मेरे पति की तस्वीर है। आपके पति पुलिस में? हाँ, वो दिन रात अपनी ड्यूटी करने में लगे रहते हैं और मेरा पूरा टाइम अकेले इस घर में कटता है। शादी को कितना टाइम हो गया? 1 साल। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। लगता है आप जिन्हें ढूंढने आए थे, उन्होंने आपको प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया। अगर आप मुझे उनका नाम बता दे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। पुलिस ऑफिसर की बेबी हूँ, शायद इसलिए आपने बिना सोचे समझे थी रात को मुझे अंदर आने दिया। हाँ शायद, 1 साल से वही लूटमार, मर्डर, रेप, यही सब तो सुनती रहती हूँ इस घर में। कभी टीवी पर तो कभी फोन पे, हस्बैंड इन्हीं सब बातों में घिरे रहते हैं, तो जो दहशत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। आप मुझे थोड़े परेशान दिखाई दिए, इसीलिए मैंने सोचा। वैसे आपने सिर्फ मेरे ही फ्लैट की बेल क्यों बजाई, वो भी रात के 2 बजे। आपके घर की लाइट जल रही थी।
मैंने सोचा कोई जाग रहा है तो पूछ कर देख लेता हूँ। आपने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसका घर आप ढूंढ रहे हैं। आपने बताया नहीं? मैं यहाँ किसी का एड्रेस ढूंढने नहीं आया था। चलता हूँ। रुको, अगर तुम एड्रेस ढूंढने नहीं आए थे तो किस लिए आए थे? आप बताते क्यों नहीं? मैं आत्महत्या करने के लिए आया था। जब बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो रोकने वाला कोई नहीं था, लिफ्ट बंद थी। मैं स्टूडियो से चढ़ता ऊपर टेरेस पर चला गया। इतनी ऊंचाई से कूदकर मैं शायद कभी नहीं बचता। मन में एक ही ख्याल था कि अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन काफी देर तक टेरेस के किनारे खड़ा रहा। कूदने की हिम्मत नहीं हुई और मैं पीछे हट गया। जब स्टूडियो से उतर कर नीचे आने लगा तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था और मैंने आपका दरवाजा खटखटाया। एक मिनट, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? आप यहां आकर बैठ जाइए, फिर बेशक चले जाना। क्यों? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, शायद कुछ देर रुकने से आपका इरादा बदल जाए। मैं जिसके लिए आया था मेरा वो इरादा बदल गया। आप एक मिनट के लिए यहां बैठ जाइए प्लीज। नाम क्या है आपका? मोहन। मेरा नाम रचना है। बुरा नाम आना तो एक बार पूछूं? यही कि मैं आत्महत्या क्यों करना चाहता था। हाँ, एक लड़की ने मुझे प्यार में धोखा दिया। बस सिर्फ इसीलिए? हाँ, सिर्फ इसलिए। लेकिन तुम्हें तो कोई भी दूसरी लड़की मिल जाएगी। लेकिन वो तो नहीं मिलेगी जिससे मैं प्यार करता था। मेरा कोई नहीं था सिवाय उसके। सब बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। एक मेरे बाबा थे। मैं एक बहुत मामूली से घर का हूं, एक मजदूर का लड़का। अपनी पढ़ाई पार्क में करता था, वहीं मिली थी वो। एक दूसरे को देखा, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन मैंने उसे किसी और के साथ देखा, उसकी बाहों में, और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मोहन, सभी ऐसे नहीं होते हैं। तुम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। किस आधार पर?
प्यार के इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, बस एक जरूरत है, एक भूख, एक हवस जो पहले आकर्षण पैदा करती है और जब ये आकर्षण पूरा होने लगता है तो निकल पड़ते हैं किसी और की तलाश में। दोनों में मरता वही है जिससे सच्चा प्यार हो जाता है। क्या सिर्फ इसीलिए लोग अपनी जिंदगी खत्म कर ले? इसलिए तो मैंने मरने का इरादा बदल दिया। मरना बहुत बड़ी बुजदिली है। जो हुआ उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, बजाय कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेना। तुम पर क्या बीत रही है वो शायद मैं समझ नहीं पाऊं। जिंदगी बहुत बड़ी है, धूप छांव की तरह हर वक्त। मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुम्हारी पति ने। इसे शक था कि इसके पीठ पीछे तुम्हारा किसी गर्म से संबंध है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। परिस्थिति ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलर बना दिया, खास करके उस धोखे ने। लेकिन तुम्हारे कुछ मटके विश्वास ने मेरा इरादा बदल दिया। रचना जी, तुम्हारी निष्ठा मेरी नफरत से बहुत बड़ी है।
चाहे न लगे दिल का रो चाहे न चाहे न लगे दिल का रो कैसे रोकूं ये कसकती यादों को जीवन है पसा इस धारा में नौका है ना पतवा बेकाबू हवा ना सोखे ये बहते आंसू को चुभती हुई यादों ने हर पल मारा है कहूं से कहूं ये प्रेम करो गोया खुशबू ने जिंदगी महका दी जिंदगी महका दी खिलखिलाती हंसी ने फूलों को है बिखेरा है कौन सी ये डगर तेरी खुदा की खुदाई मार दी चाहे न चाहे